पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है, ये कोई केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सीखे। जिस दिन घर में बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, उस दिन नरेंद्र सिंह तोमर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से संसद में थे। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रामू तोमर की शादी भैरव सिंह शेखावत की पोती से शनिवार को हुई। शादी इसलिए भी खास थी क्योंकि शादी में ना तो बैंड बाजा और ना ही सज धज के बारात निकली। जयपुर में शादी की रस्म बेहद सादगी से निभाई गई। हालांकि शादी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित कई लोग वरवधु को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे थे। शादी में पारिवारिक मित्रों रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया था। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर की मां पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है इसी वजह से नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बेटे की शादी को बेहद सादगी पूर्ण तरीके से करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि जब तोमर की मां ठीक हो जाएंगी तो दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा।